हेलो बच्चों, कक्षा 11वीं की ऑनलाइन लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है। लेखा शास्त्र में अपन अभी जनरल प्रविष्टि के बारे में या दैनिक पंजी योजनांचा के विषय में पढ़ रहे हैं। आज आपको मैंने आपको होमवर्क भी दिया था मैंने कि निम्नलिखित व्यवहारों में आपको इसी टाइप का एक मैंने गणित दिया था कि आपको राजा राम की पुस्तक में प्रविष्टि के लिए। अब आपको आज एक नया तो निम्नलिखित व्यवहारों में बी की पुस्तक में तब जो नाम ने लिया है बी की पुस्तक में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो आपको जनरल प्रविष्टि करनी है इसमें तो 500 रुपए के ऋणी से ऋण 1 रुपए में 75 पैसे की दर से प्राप्त हुआ। तो जो ऋणी है उसको 500 रुपए ऋणी ऋण के 1 रुपए में 75 तो आपको ये सलूशन बनाना है। तो 500 आपको बी पुस्तक लेखक की जनरल प्रविष्टि में आपको एक लेखा बनाना है। उसमें दिनांक नहीं दी है आपको, क्रम अनुसार आपको क्रमांक लिखना है 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद विवरण विकलन और समाकलन की राशि। तो 500 रुपए का आपको 75 मतलब जो है वह की दर से आपको एक ऋण दिया गया है। तो आपको 375 और शोध ऋण जो 25 जो आपका 75 में से माइनस हुआ 25 तो उससे 125 आपका क्या आएगा। तो आपको 75 पैसे की दर से रकम क्या हुई प्राप्त हुई। तो 75 पैसे की से जो रकम प्राप्त हुई वो क्या हुई 500। फिर है अग्नि से हानि और माल। तब आपको अग्नि से जो मतलब जो माल आग से जलकर क्या हो गया नष्ट हो गया वह क्या था 200 रुपए। तो ये आपका हो गए विकलन। फिर आपको समाकलन में भी वही राशि लिखना है। तो आपके जो अग्नि से माल नष्ट हुआ उसका मूल्य क्या था 200 रुपए था। तो वह हो गया अग्नि खाता से हानि 200 रुपए, माल खाते से मतलब आपका क्या नष्ट हुआ माल वह समाकलन में चला गया। फिर आपने अहरण बैंक से पैसा निकाला, कितना निकाला मालिक ने निजी उपयोग के लिए पैसा अहरण किया तो बैंक से उसको लिखेंगे अहरण खाता। जब कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकालता है अपने निजी उपयोग के लिए उन्होंने निकाला तो अहरण खाता 100 रुपए। तो कौन से खाते से निकाला उसने रोकड़ खाते से निकाला तो रोकड़ खाता विकलन। तो रोकड़ काहे के लिए निकाली उसने आपको ब्रैकेट में लिखना होगा रोकड़ निजी प्रयोग के लिए उसने निकाली। फिर उसको एम से मतलब जो एम से उसको क्या मिला 75 रुपए क्या मिला कमीशन प्राप्त हुआ। तो उसे कमीशन कहाँ से मिला रोकड़ खाते से। कहाँ से प्राप्त होगा कमीशन उसको रोकड़ खाते से प्राप्त होगा। तो रोकड़ खाते से उसे कमीशन कितना मिला 75। फिर वो कहाँ गया कमीशन खाते से तो यहाँ पर उसने समाकलन में क्या लिखा। फिर है बैंक में अनुशाही की बैंक खाता तो जो अनुशाही मतलब जो बैंक खाता है कितने का है 10 रुपए। तो उसने कौन से खाते से खर्च किए वो बैंक खाते से। तो वहां क्या लिखेंगे फिर अपन ब्रैकेट में लिखेंगे जो बैंक से उसने व्यय किया वो 10 रुपए। फिर कौन से खाते से उसने पैसे निकाले समाकलन हुए वह बैंक खाते से। तो वह तो उसको क्या लिखेंगे बैंक से व्यय लगाया तब जो उसने व्यय किया फिर उसका पूरा टोटल आ जाएगा 885 रुपए। आपको समाकलन और विकलन दोनों का टोटल करना है जो कैसे होंगे सामान्य होंगे। तो एक आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा समाकलन लिखा जनरल प्रविष्टि वाला समता। अब आगे देखोगे निम्नलिखित व्यवहारों में जनरल प्रविष्टि कीजिए। तो सुधांशु ने जो जनरल प्रविष्टि थी सुधांशु ने एक अपने व्यापार शुरू किया। कैसे शुरू किया कितने रोकड़ से शुरू किया उसने 1,00,000 रुपए की रोकड़ से उसने क्या किया बाजार अपना व्यापार शुरू किया जिसमें उसने कितने रुपए का माल लगाया 50,000 रुपए का और टाइप राइटर उसने लिया कितने हजार रुपए का 10,000 रुपए। तो फिर
स्थिति से आपके लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं। आप व्यापार खाते से क्या आशा है और व्यापार खाता कब बनाया जाता है, ये प्रश्न एक ही है ना। व्यापार खाते से क्या आशा है और व्यापार खाता कब बनाया जाता है, तो व्यापार खाता कब बनाते हैं, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, मतलब जब व्यापार समाप्त होने लगता है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर माल की लागत व विक्रय के परिणाम, मतलब जो अपन ने माल बेचा, खरीदा, लेनदारी, देनदारी, इन सब के परिणामों को प्राप्त होने के लिए के, मतलब जो परिणाम होते हैं करने के लिए बनाया जाता है, उसमें व्यापार खाता कहलाता है। तब वित्तीय वर्ष की समाप्ति में माल की लागत पर, लागत व विक्रय के परिणामों से प्राप्त करने के लिए बनाया गया खाता क्या कहलाता है, व्यापार। तो व्यापार खाता में विकलन पक्ष में स्टॉक, मतलब जो व्यापार खाता बनता है उसके विकलन पक्ष में क्या बनता है, लिखना पड़ता है स्टॉक, क्रय और माल संबंधी सभी प्रत्यक्ष व्यय को लिखा जाता है। अपन दो कॉलम्स बनाते हैं, विकलन और समापन। तो व्यापार खाता में जो विकलन पक्ष है उसमें अपन क्या लिखेंगे, स्टॉक, क्रय, माल संबंधी प्रत्यक्ष व्यय को क्या कहा जाता है, लिखा जाता है। समापन पक्ष में माल के विक्रय राशि का अंतिम स्टॉक को लिखा जाता है। जो समाकलन पक्ष होता है उसमें अपन ने माल बेचा, उसी राशि और अंतिम स्टॉक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। खाते के समाकलन शेष होने पर समाकलन, मतलब जो खाता होता है अपने समाकलन को शेष होने पर उसे सकल लाभ और विकलन शेष होने पर उसे सकल हानि प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो समाकलन पक्ष में जो शेष बचता है, जो शेष राशि बचती है उसे सकल लाभ और विकलन पक्ष में जो शेष राशि बचती है उसे क्या कहते हैं, हानि प्रदर्शित करता है। खाते का शेष लाभ हानि, तब जो खाता होता है उसको शेष लाभ हानि खाते का हस्तांतरण का योग क्या होता है, बराबर कर दिया जाता है। सरल शब्दों में व्यापार खाता सकल लाभ व सरल हानि ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो व्यापार खाता बनाया जाता है वह सकल लाभ और सरल हानि को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, बनाया जाता है, जिसे व्यापारिक खाता कहते हैं। तो व्यापारिक खाता काय के लिए, लाभ हानि को ज्ञात मतलब करने के लिए तैयार किया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, व्यापारिक खाता भी कह सकते जाती है, वह कौन सी है, दो होती है, ब्याज, तो ये
लाभ हानि खाते में जमा पक्ष की लिखी जाने वाली झाग मुझे थी। इसके बाद है स्थिति विवरण या चिट्ठा क्या होता है। तब जो स्थिति और विवरण जो चिट्ठा होता है तो चिट्ठा व्यापार की व्यक्तिगत खातों और वास्तविक खातों के शेष की सूची या विवरण पत्र है, जिसमें संपत्तियों एवं दायित्वों के रूप में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है या दर्शाया जाता है। चिट्ठा जो होता है वह व्यक्तिगत खाते और वास्तविक की शेष सूची, जो वास्तविक खाते होते हैं उनकी शेष सूची, विवरण पत्र जिसमें संपत्ति भी क्या होते हैं दायित्व के रूप में क्या किया जाता है वर्गीकृत करके दर्शाया जाता है। दायित्वों को चिट्ठे में मतलब जो दायित्व होते हैं उनको चिट्ठे में बाएं पक्ष में तथा संपत्तियों को दाएं पक्ष में दर्शाया जाता है। साल में अंतिम दिन में मतलब जो साल का अंतिम होता है उसको दिन में उसको क्या करते हैं बनाया जाता है। और हम कह सकते हैं चिट्ठा वह दर्पण है, मतलब चिट्ठा इससे व्यापार की सारी वास्तविक स्थिति या क्या पता चलता है प्रकट की जाती है, इसमें व्यापार की संपत्ति और दायित्वों की स्थिति को प्रकट करता है और उसे बनाने के लिए आर्थिक स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाता है। मतलब जो व्यापार की आर्थिक स्थिति वह कैसी है वो स्थिति विवरण या चिट्ठे के माध्यम से ज्ञात की जा सकती। फिर है प्रत्यक्ष व्ययों को, मतलब जो प्रत्यक्ष व्यय है उनसे क्या आशा है। प्रत्यक्ष व्यय लेखा व्यापार खाते में विकलन पक्ष में किए जाते हैं, मतलब जो प्रत्यक्ष जो व्यय दिखाई देते हैं उनको कायम लिखते हैं विकलन पक्ष में लिखते हैं। उपयुक्त मदों में लिखने के पश्चात प्रत्यक्ष व्यय को मदों की राशि में लिखी जाती है। प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य माल को खरीदता जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उसका तात्पर्य काय से होता है माल को खरीद कर लाने तथा उसके निर्माण में किए गए व्यय से है। मतलब जो व्यय अपने माल उत्पादित किया तो कैसे किया तो वो क्या होते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो होता है माल को खरीद कर लाने और निर्माण किए जाने पर वह क्या हो जाते हैं वह प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं। तो आपको बता दूं प्रत्यक्ष व्यय लेखा व्यापार के विकलन पक्ष में उनका लिखते हैं और उपयुक्त मदों को लिखने के पश्चात प्रत्यक्ष व्ययों की मदों की राशि भी लिखी जाती है। और मतलब प्रत्यक्ष व्यय से तात्पर्य क्या है कौन से व्यय होते हैं जो अपन से माल खरीदा और उसके बाद माल का निर्माण कराया वह क्या होते हैं वह प्रत्यक्ष व्यय होते हैं। जैसे कि क्रय का भाड़ा हो गया, चुंगी हो गई, मजदूरी हो गई, ईंधन शक्ति आदि, ये सब क्या आएंगे प्रत्यक्ष व्यय के अंतर्गत आएंगे। फिर है स्थायी संपत्तियों के चार उदाहरण दीजिए। जो आपकी स्थायी किसी भी व्यापार को शुरू करने के जो स्थायी संपत्ति, सबसे पहले स्थायी संपत्ति में क्या होगा भवन, पूंजी, फर्नीचर और मशीनरी। आज लेखा शास्त्र में आपको मैंने व्यापार खाता, प्रत्यक्ष व्यय और स्थायी संपत्ति और चिट्ठा विवरण कैसे बनाया जाता है और एक जनरल दृष्टि बताई। धन्यवाद।